हेलो स्टूडेंट्स अभी एच बोर्ड महाराष्ट्र की एग्जाम नज़दीक आ रही है और यदि आपका कुछ सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ है तो कम चैप्टर्स पढ़ के भी उस चैप्टर्स के मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं आपको पता है 25 परसेंट सिलेबस रिड्यूस्ड है थियोरी का तो जो रिड्यूस सिलेबस है वो तो आने वाला नहीं है तो शुरुआत करते हैं आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं तो सबसे पहले जो तो चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन इसमें जो यूनिट है 5.6 और 5.13 यानी यानि पेज नंबर 100 से 103 और पेज नंबर 113 से 115 इतना ही आपको इस चैप्टर से करना है और तो जो वेटेज है वो है 4 टू 6 मार्क्स तो ये दो यूनिट्स करके इस चैप्टर के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं सेकेंड जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर सिक्स प्लांट वाटर रिलेशन इसमें तीन यूनिट्स है 6.1, 6.2 और 6.3 यानी इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर टाइप्स ऑफ वॉटर स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर इतना पढ़ के आपको फाइव टू सेवन मार्क्स मिल सकते हैं और पेज नंबर है 119 टू 120 तो ये तीन यूनिट्स करके आपको इस चैप्टर से फुल मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन एक ही है क्राइटेरिया आपको कुछ भी इसमें स्कीप नहीं करना है आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड इस चैप्टर से करना है थर्ड जो चैप्टर है चैप्टर नंबर तो आपको हॉर्मोन्स करना है ऑक्सीजी जिबरिन साइटोकाइन इथिलीन एप्सिक एसिड इसमें आपको नाम याद रखने हैं हॉर्मोन्स के आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स सिंथेटिक हॉर्मोन्स किसने हॉर्मोन्स को डिस्कवर किया और उनका फिजोलॉजिकल रोल तो यूनिट नंबर 7.9 इतना करने से आपको 5 टू 7 मार्क्स इस चैप्टर से मिल सकते हैं पेज नंबर है 138 से 141. नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 11 अनाउंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन 11.8 से 11.12 यानी पेज नंबर है 259 से 268 और वेटेज जो है फोर टू सिक्स मार्क्स फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये नया चैप्टर है आपको पेज नंबर करना है टू नाइनटी थ्री से थ्री जीरो फाइव और वेटेज है थ्री टू फोर मार्क्स और एक नया चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर्टीन दैट इज इको सिस्टम एंड एनर्जी फ्लो यूनिट नंबर है फोर्टीन पॉइंट फाइव और पेज नंबर है थ्री वन सिक्स से थ्री वन एट यह भी आपको फुल मार्क्स देगा इसका वेटेज है थ्री टू फोर मार्क्स नेक्स्ट है चैप्टर नंबर फिफ्टीन बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन और जो यूनिट्स आपको पढ़ने हैं फिफ्टीन पॉइंट वन से फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पेज नंबर है थ्री ट्वेंटी वन से थ्री थर्टी और ये भी चैप्टर आपको थ्री टू फोर मार्क्स देगा तो टोटल तो आपको जो पेजेस पढ़ने हैं सेवन चैप्टर्स के फोर्टी पेजेस है और जो मार्क्स का रेंज है ट्वेंटी सेवन से थर्टी एट तो सात चैप्टर्स पढ़ के आपको इतने नंबर 27 से 38 आराम से मिल सकते हैं एक ही बात है कुछ भी स्किप करना नहीं है एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको इस चैप्टर से करने हैं। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स की चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर एट और चैप्टर नंबर नाइन इसमें डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से ये चैप्टर्स पढ़ सकते हो यदि आपको डायग्राम्स आते हैं उनके लेबलिंग्स आते हैं तो उसी को डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर के बारे में फंक्शन के बारे में तो इस चैप्टर में से डायग्राम जरूर करना और बेस्ट ऑन आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर टेन आप टेबल बना के पढ़ सकते हो जैसे कि डिजीज का नाम कॉज ऑफ डिजीज मोड ऑफ इंफेक्शन सिम्टम ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल मेजर तो टेबुलर फॉर्म में ये आप चैप्टर पढ़ सकते हो नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसमें जो भी टर्म्स है टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने हैं लॉज है इसमें जैसे मेंडल फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट देन पोस्ट मैंडियन वर्क जिसमें है कोडोमिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस मल्टीपल अलील प्लियोट्रॉपी फिर इसमें है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे ह्यूमस में मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी बर्ड्स में फीमेल डिटरमाइंस द सेक्स हनी बी में यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता उससे बनता है मेल और फर्टिलाइज एग डिप्लॉयड जो है इससे बनता है फीमेल बायो चैप्टर बहुत ही लेंदी है तो इसमें आप कुछ टॉपिक्स यदि आपको स्किप करना है चैप्टर तो स्किप कर सकते हो लेकिन कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर से आपको करना ही है जैसे कि पीसीआर पॉलिमरी चेंज रिएक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें एक्सपेरिमेंट्स है ग्रिफिट एक्सपेरिमेंट एंड ऑल फिर डीएनए एप्लीकेशन पैकेजिंग प्रोटीन सिंथसिस इसमें है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और लाइक like ऑपेर आप चैप्टर्स के जितने भी डायग्राम से उस पर फोकस करो जितने भी फ्लोर चार्ट है उसको जरूर करना और टेबल्स जो भी है उसको भी जरूर करना तो ये था इन शॉर्ट टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आई विश यू ऑल द बेस्ट